बात जय हिंद। तो भैया अब झारखंड में भी गुटखे पर बैन लग गया है। अपने यूपी बिहार और झारखंड वालों ने ही तो गुटखे का जो कल्चर है वो जिंदा रखा हुआ। अब अगर वहां भी बैन लग गया तो गुटखे को कौन बचाएगा? लगता है यूपी बिहार के लोगों का जमीर जो है वो मर गया है। अरे जागो, खड़े हो जाओ, संघर्ष करो। तुम लोगों ने ही तो गुटखे को पैदा किया है और तुम ही लोग अपने हाथों से गुटखे का गला दबा रहे हो। लानत है, गुटखा खत्म हो गया तो 2 महीने में माउथ कैंसर हो जाए, उसके लिए क्या खाओगे? चारा? सुना है दिल्ली में भी गुटखे पर बैन लग गया है। इस तरह तो धीरे धीरे पूरे देश में बैन लग जाएगा। तो भैया फिर अपना चंपू चौरसिया गुटखा खाने कहाँ जाएगा? अमेरिका जाएगा। बैन तो वैसे हिमाचल प्रदेश में भी लग गया था, लेकिन बाद में सरकार ने जो है वो बैन हटा दिया है, क्योंकि उसे पब्लिक की फिक्र है। जी बिल्कुल, हिमाचल सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ अभी भी गुटखे का ये जो है 2-3 महीने का स्टॉक पड़ा है, पहले वो खत्म हो जाए फिर बैन लगाएंगे। इतनी अच्छी सरकार है यार, गुटखा इधर उधर फेंकना पड़े इससे तो अच्छा है यार ग्राहकों के मुंह में पड़ा रहे। वैसे मैं तो ये सलाह दूंगा कि हिमाचल सरकार को गुटखे का स्टॉक खत्म करने के लिए स्कीम चलानी चाहिए, कि जैसे कि एक गुटखे के साथ एक फ्री, एक रिफाइंड ऑयल के साथ 2 गुटखे फ्री, या फिर नरेगा में मजदूरी के बदले गुटखा, या फिर सरकार अपने कर्मचारियों के लिए गुटखा खाना कंपलसरी कर दे। सरकार ये भी कर सकती है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मुफ्त गुटखा देना शुरू कर दे। इसी तरह गुटखा भी सारा खत्म हो जाएगा और गरीबी भी, क्योंकि गरीबी नहीं रहेंगे। गुटखे पर बैन के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं राम खिलावन जी, आइए। राम खिलावन जी, सरकार ने जो वो गुटखे पर बैन लगा दिया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, हमको चक्कर जैसा आ रहा है, एकदम बड़ा अजीब अजीब लग रहा है, हमारे मुंह में खुजली लग रहा है, बहुत एकदम खुजवा रहा है मुंह में, कुछ हो तो डालो। वो संडा साफ करने का ब्रश ला, वही डालती उनके लिए। नहीं नहीं, मेरे पास तो नहीं है भाई अभी कुछ। तो हम जा रहे हैं फिर। अरे नहीं नहीं नहीं, कहाँ कहाँ भाई, ओ एक बार कुछ इंतजाम करवा दो। ओ ओ देखो यार, वो कहीं गुटखे का यार पैकेट वैकेट इंतजाम आ रहा है। अच्छा क्या लगता है सरकार ने जो किया वो ठीक किया? अरे बहुत गलत किया है, आदमी मुंह में गुटखा रहता है तो मुंह का एक्सरसाइज होता रहता है ऐसे ऐसे, अब पूरा सब सेट रहता है, सेट रहता है, अब शांति बनी रहती है, अपने मुंह में सब थोड़ा माल मसाला भरा रहता है तो आदमी एकदम शांत रहता है। अब मुंह में गुटखा नहीं होगा तो पता नहीं क्या अनाप शनाप बकेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, दंगा फसाद होगा, मतलब कुछ भी लफड़ा हो सकता है। मैंने इस एंगल को मतलब कभी, मतलब इस एंगल के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। क्या बात है, ये एंगल नहीं सोचा है, दूसरा एंगल बता रहे हैं। कैसा, कौन सा, कौन? सूखा पड़ा हुआ है पूरे देश में गुटखे के चक्कर में। है? हाँ। कैसे? कहीं कुछ हो नहीं रहा, सिंचाई का कोई साधन नहीं, पानी हो नहीं रहा, पहले लोग गुटखा खाते जहां मौका पिया पिच से सींच दिए। तो आप कब से गुटखा खा रहे हैं? अब हमारे ख्याल से जब से हमको याद है तब से खा ही रहे हम। आ करो बेटा। हमारे जो बापू रहे वो खाते रहे। अच्छा। हमारे चाचा खाते रहे, ताऊ खाते रहे, हमारे जो दादाजी रहे वो खाते रहे, हम लोग खानदानी गुटखा खाऊ हैं। हाँ वाह, मतलब ये फैमिली लेगेसी है। तो क्या गुटखा खाना इतना जरूरी है? जरूरी कह रहे हो, अपना संस्कार है भाई, अपना कल्चर है, अपना परंपरा है, ये अपना कल्चर हम कैसे भूल जाए, विदेशी हो जाए हम। बात करते हैं, सब बड़ा बड़ा लोग गुटखा खाता है, वो संजू बाबा संजय दत्त गुटखा खाता है, उसका देखो बसों में फोटो रहता है ऐसा गुटखा खाते हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर लोग हैं, और प्रोफेसर लोग गुटखा खा के क्लास लेता है, बड़ा बड़ा मंत्री लोग गुटखा खाता है, बताइए कौन नहीं खाता है। अच्छा ये बताइए, आपने सबसे पहले गुटखा कब खाया था, मतलब कुछ याद है?
का सवाल पूछ लिया है एकदम रिपोर्टर बाबू, हमारे बचपन की याद दिला दिया एकदम। अच्छा, अरे वो दिन हम कैसा भूल सकते हैं, हम धान के खेत में जो है, धान का खेत जो होता है, हम रुपाई कर रहे थे, काम कर रहे थे, और हमारे पड़ोस का दोस्त रजुआ, वो पहली बार हमको गुटखा खिलाया रहा, का दिन रहा वो, कैसे भूल सकते हैं। हाँ, आप तो मतलब एकदम भौकवा गए, भावुक हो गए, लगता है गुटके के साथ आपकी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। अरे हम कहाँ बताएं रिपोर्टर बाबू, गुटखा नहीं आया अभी। हाँ, नहीं नहीं, आप आपकी खुजली जरूर मिटेगी, बस आ ही रहा। अच्छा ये बताइए, हमारी सरकार ने जो, अरे सरकार एकरी माँ की एकरी बहन अरे बात करते हैं, हमारा मुंह खाली, हम कह देते हैं कुछ गलत सलत निकल जाएगा अभी जो है। तो आप अब क्या करेंगे? करेंगे का जो है, अन्ना रामदेव का जो काला धन, लोकपाल के पीछे पड़े हैं ये सब लोग, काला धन का काम कौन में डालेंगे, नया आदमी गुटखा बगैर मरा जा रहा, ये काला धन के पीछे पड़े हुए आम पब्लिक का कोई चिंता नहीं है कि कैसा गुटखा बगैर आम पब्लिक मरा जा रहा है, काला धन की पड़ी। तो आपने आप कभी अन्ना से मिलने गए, मतलब मिलने की कोशिश की कभी? हाँ हाँ, हम गए थे एक बार दिल्ली जो है, अन्ना ने बहुत दिन तक अपना मुँह ही नहीं खोला, तब हम समझ गए गुटखा दबाए होंगे बगल में, ऐसा नहीं खुलेगा, इसीलिए चुप है। अच्छा, तो फिर बात नहीं बनी? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, अन्ना की टीम में दो तीन लोग हैं, खाते हैं। अच्छा। हमने उनसे बात किया तो वो लोग कहे कि हम अन्ना से बात करेंगे, गुटखा के। चलो चलो, मतलब उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। हाँ, अन्ना आपकी बात मान ले और आपकी खुजली मिट जाए, है ना? आया नहीं गुटखा? आया नहीं अभी तक। कौन लौंडे को भेजा है भाई? लौंडा गया है। हाँ, वो अभी नहीं पता क्या नहीं है, माफ करना, अभी अभी पता चला है कि महाराष्ट्र में भी गुटखा बैन हो गया है, अब आपको किसी और जगह से जुगाड़ करना पड़ेगा। सॉरी भैया, सॉरी। हाँ, सॉरी। तो आओ, कुछ जुगाड़ नहीं है गुटखा का, कुछ मावा रगड़ा चूना डाल के ऐसे से रगड़ते हैं। दीवार का निकालो चूना। फालतू बात करता है, अभी देश जो है रहने के लायक नहीं बचा है, अब हम भी वहीं चले जाएंगे जहाँ हमारा सब भैया लोग रहता, वेस्ट इंडीज में। हाँ हाँ, कोई बैन नहीं, आराम से खाओ पियो और जहाँ मौका मिला भच से थूको। जाओ जाओ जाओ, फिलहाल हमारा पीछा छोड़ दो भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, जाओ। जय हिंद।